अभी हम बनाएंगे कच्चा हरा नारियल का हलवा। हलवा तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन ये वाला जो है ना बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बिल्कुल डिफरेंट बनेगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस हलवे को ना बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े बुजुर्ग सभी को पसंद आएगा। अभी हम पहुंच गए हैं नारियल की दुकान पर नारियल पानी पीने। तो नारियल का पानी तो पी चुके हैं और उसका जो मलाई है वो घर पर लेकर आए हैं उसका हलवा बनाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो नारियल का मलाई है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नारियल का है। हमारा जो मलाई है उसको जार में डालकर पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और यदि पीसने में दिक्कत हो तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर हम इसको पीसेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये हल्का अभी दरदरा है। और फिर कढ़ाई गर्म करेंगे या फिर पैन गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे घी। 2 चम्मच हम घी डाल रहे हैं, बाद में 1 चम्मच और ऐड करेंगे। फिर हम मलाई को ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। और जार में लगा हुआ मलाई भी थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर इसको लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे। और जब ये 70-80% इसका पानी सूख जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चीनी। और फिर से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो सूख चुका है और हमारा जो हलवा है वो तैयार हो गया है। हल्का गीला ही हम रखेंगे क्योंकि खाने में अच्छा लगेगा। यदि आप और भी ज़्यादा सुखाना चाहते हैं इसका पानी तो सुखा सकते हैं। और यदि आपको पसंद हो तो थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। ड्राई फ्रूट्स हम अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम ऊपर से सर्व करने के टाइम डालेंगे। यदि इसी के साथ ऐड करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं प्लेट में थोड़ा सा घी डालूंगी। गर्मा गर्म हलवे को प्लेट या कटोरी में डालेंगे और उसके ऊपर से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। चम्मच लगाकर खाने के लिए दें, बहुत ही मज़ा आएगा खाने में और सबकी फेवरेट बन जाएगा। और यदि आप चाहें तो फ्रीज में रखकर इसको ठंडा कर लें, फिर इसको खाने के लिए दें और एंजॉय करें। आप भी खाएं, सच में बहुत ही मज़ेदार हलवा बना है। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरा बाबू खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ ये भी लिखें कमेंट बॉक्स में कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप हमारे पेज पर नए हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए।